प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा दसवीं में संकलित हिंदी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो में इन तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की अध्ययन सामग्री आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। सुविख्याता शब्द का अर्थ है बहुत प्रसिद्ध, यानी बनारस बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा देख करके इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे दिया है, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते। गेहे गेहे का अर्थ होता है घर घर में। प्राचीन कालात एव, यानी प्राचीन काल से ही, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहती। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और जनानाम ज्ञानम चेप वर्धयति, निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्या माने आचार्य, मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। यहाँ पर आज भी अनेके आचार्य, अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं विद्या च गृह्णन्ति। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति येषु नवीनानां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलिता। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों पर अध्ययन, विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आगे देखिए, एषा नगरी यानी यह नगरी भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः केन्द्रस्थली अस्ति। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, यानी संस्कृत भाषा का केंद्र इन्हीं बनारस में ही है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृता। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रवाह सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजः दारा शिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद फारसी भाषायां कारितः। जब मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था तब वो उनसे प्रभावित हो गया था। उनसे प्रभावित होकर उसने, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया। दिया गया है फारसी भाषायाम कारिता, यानी फारसी भाषा में उन सभी धर्मशास्त्रों का अनुवाद कर दिया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह नगरी माने नगर, विविध धर्माणाम माने विविध धर्मों की, संगम स्थली माने संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकर पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्य च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचार प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास
और दूसरे बहुत सी महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम चाकृते लोके विश्रुता। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ, जो बनारस में रेशमी साड़ियाँ मिलती हैं, देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तया प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, मूर्तया का अर्थ होता है मूर्ति। इयम निजाम प्राचीन परम्पराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कभी भी, या अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है यह हमारे कौन बनारस की नगरी। उसी प्रकार कवि के द्वारा गाया जाता है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। विभूति का अर्थ होता है भस्म, विभूषणम का अर्थ होता है आभूषण और कौपीनम का अर्थ होता है लंगोटी, कौशेयम का अर्थ होता है रेशमी साड़ियाँ। मीयते माने मापी जा सकती है। और एक बात आपको संदर्भ बता दूं इस अध्याय का, अगर आप लिखना चाहते हैं तो संदर्भ आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में आप प्रसंग भी लिखेंगे संदर्भ के साथ साथ। इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य खाति का वर्णन किया गया है। तो जो ये दोहा है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सकाशी केन मीयते, यानी जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, यानी वाराणसी में कोई भस्म धारण कर लेता है तो समझ लो आभूषण धारण कर लिया हो। जहाँ कौपीन यानी लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जाती है। कोई भी नगर नहीं है कि जिसकी समता काशी से की जा सकती हो। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए।